वेलकम टू इनलाइटन एकेडमी। हमारे यूट्यूब के पेज पे आपका स्वागत है। आज हम ईमेल्स, एसएमएस एंड ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपके जो चैप्टर्स अभी एडवांस कंप्यूटर जो चल रहे हैं, ये आपके पटवारी, सब इंस्पेक्टर और बाकी पेपर में भी ये आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, ठीक है। अब ईमेल, अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, या अगर किसी को हम डाटा भेजना है, अपने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो किसी भी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईमेल्स यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले उस कंपनी के, उस पर्सन की ईमेल ही मांगते हैं। अगर किसी को हमने रिज्यूमे भी भेजना है, हम उसे यही कहेंगे आप ईमेल भेजो अपनी, हम ईमेल थ्रू उसका डॉक्यूमेंट भेज देंगे, ठीक है। और जो ईमेल है, इसे एक मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ब्रीफ मैसेज, कोई इनफॉर्मल मैसेज, या कोई फोटोज, फाइल्स, इमेजेस, ठीक है, स्प्रेडशीट्स, आप ईम थ्रू ईमेल ये कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। एक बंदे को भी भेज सकते हो, मल्टीपल बंदे को भी आप क्या है, थ्रू ईमेल मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी को भी कोई भी मैसेज भेज सकते हो थ्रू ईमेल, ओके। अब जो ईमेल है, ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? इन 1971, ठीक है, 1971, रे टॉमिलसन, ठीक है, ये एक क्रिएटर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मशीन्स के लिए ईमेल बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि थ्रू एक अपने सिस्टम से मशीन्स को ये मेल भेजते थे उसको काम करने के लिए, ठीक है। इन 1971 कौन सा प्रोग्राम था ये? अर्पानेट के लिए। जिन्होंने मालवेयर्स की वीडियो देखी है, उन्होंने उनको अर्पानेट के बारे में पता होगा, ठीक है। अर्पानेट क्या था? एक नेटवर्क था जिसपे सबसे पहले कौन सा वायरस आया था? क्रीपर, ठीक है, याद होगा आपको। अर्पानेट एक नेटवर्क था जिसपे सबसे पहले वायरस आया था, जिसका नाम था क्रीपर, ठीक है। तो रे टॉमिलसन ने पहले, सबसे पहले क्या है, ईमेल का आविष्कार किया था, ओके। देन उसके बाद ईमेल कैसे काम करती है, हाउ ईमेल वर्क्स। एन ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मैसेज कंस्ट्रक्टेड एंड सेंड थ्रू ईमेल। अब जब हम ईमेल भेजते हैं तो सर्वर पे जाती है ईमेल, ठीक है। देन सर्वर पे वहां पे वो एक एसएमटी सर्वर पे, ठीक है, पहुंच जाती है। एसएमटी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इस सर्वर पे ईमेल जाएगी थ्रू इंटरनेट, वहाँ से क्या होगा फिर, इंटरनेट क्या करेगी, वहाँ से क्या होगा फिर, आपकी जो मेल है वो जिसको आपने भेजना चाहते हो, आप उसके सर्वर पे, उसके सिस्टम पे, उसके पीसी पे मेल के आपकी पहुँच जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब ईमेल का एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो ईमेल्स आर डिलीवरी एक्सट्रीमली फास्ट एंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल पोस्ट। किसी भी अदर मैसेज, अगर किसी को कोई पोस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हमने लेटर भेजनी है, ठीक है, तो उसको पोस्ट करेंगे, देन वो पोस्ट वहाँ से एक्सेप्ट होगा, फिर वो उस क्लाइंट को, उस पर्सन को पहुँचेगा, ठीक है। और अगर वो कस्टमर आगे से नहीं मिले तो क्या होगी, पोस्ट वापस आ जाएगी। लेकिन थ्रू ईमेल्स कंपनी क्या कर सकती है, किसी को भी डाटा कहीं पे भी भेज सकती है, ठीक है। अगर हम कहीं जॉब भी जाते हैं, हम रिज्यूम देते हैं अपना, तो वो कह देते हैं हम आपको ईमेल पे जवाब दे देंगे। अगर आप कोई पेपर भी फिल कर रहे हो, जैसे अगर आपने नैब तहसीलदार का पेपर फिल किया, तो आपको जो आपका रोल नंबर है, एडमिट कार्ड है, आपकी ईमेल पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ईमेल्स कैन बी सेंड 24 आवर्स, 365 दिन आप इसको भेज सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। वेब मेल्स, ईमेल्स कैन सेंड एंड रिसीव फ्रॉम एनी कंप्यूटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड डेट हैज इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। किसी भी पीसी पे, किसी भी सिस्टम पे, थ्रू मोबाइल, कोई वेब, कहीं से भी आप क्या ईमेल को भेज सकते हो, लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है, ठीक है। इट इज चीप, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करेगी आपका ये, ठीक है, इफेक्टिव है, चीप है, इसका कोई आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लग रहे कि ईमेल भेजने के लिए 20 रुपये लगेंगे, 50 रुपये के लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो आपके डाटा का पैक होगा उसके अकॉर्डिंग जो आप मैसेज भेजोगे, ठीक है, आपका यहाँ से ईमेल सेंट हो जाएगी। और
जो इसके चार्जेस हैं वो लोकल कॉल रेट्स के हिसाब से हैं, जो आपका रेट होता है उसी के हिसाब से, आपके जो डाटा का रेट है उसी के हिसाब से आपको चार्जेस करते हैं, ठीक है जी। आप किसी को भी टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, इसमें कोई भी आपको फाइल है, कोई शीट है, कुछ भी आप इसमें सेंड कर सकते हो। ईमेल कैन बी सेंड टू वन पर्सन टू सेवरल पर्सन, एक बंदे को भेजो चाहे 100 बंदे को भेजो, आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको किसी को मेल भेजनी है तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप किसी को मेल भेज सकते हो, नहीं तो कोई मेल नहीं जा पाएगी, ठीक है। दूसरा, कोई भी आपको पर्सन आपकी ईमेल्स में आपको वायरस भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस एक वायरस है इसका नाम था आई लव यू वायरस, ठीक है, देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही आप इस वायरस को ओपन करते थे आपके पीसी में, आपके सिस्टम में वायरस आ जाता था, ठीक है। तो आपको कोई भी हैकर है, आपको ईमेल्स में आपको मैसेज, आपके ईमेल्स मैसेज में आपको वो वायरस भेज सकते हैं, ओके। देन उसके बाद है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग मैंने आपको पढ़ाया था मालवेयर की वीडियोस में, आप अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। फिशिंग में क्या है, वो पर्सन आपको, एक हैकर आपको ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, किसी लेजिटिमेट कंपनी का ओनर बन के या उसका एम्प्लॉय बन के, ठीक है। वो कह सकता है सर मैं सो एंड सो कंपनी का इसका एम्प्लॉय हूँ, हम आपको जॉब्स के लिए मेल भेज रहे हैं, आप यहाँ पे फीस भर सकते हो, आपकी जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो चुका है, फलाना ढमकाना आपको कुछ भी कह के आपके वो क्या कर सकता है, पैसों को फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। या आपकी आइडेंटिटी, आपसे प्रूफ मंगवा सकता है आपके कोई बैंक अकाउंट से, या आपके किसी भी फॉर एग्जाम्पल आपका आधार कार्ड या लाइसेंस, किसी भी प्रूफ की आपसे कॉपी मंगवा सकता है, देन उस आपके जो प्रूफ है उनका गलत इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नो गारंटी द मेल विल बी रीड अंटिल द यूजर लॉग्स एंड चेक द ईमेल्स, ठीक है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसने मेल पढ़ ली है ना, आप देख सकते हो उसने मेल पढ़ी कि नहीं, जब तक वो यूजर उस अपने मेल को ओपन नहीं करता आपकी मेल उसको शो नहीं होगी, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उसने आपकी मेल जो है वो रीड कर ली है, ठीक है। लास्ट में था जी हमारा स्पैम, ठीक है, जिसको हम जंक मेल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो स्पैम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, ईमेल से थ्रू होते हैं, ठीक है। ईमेल्स में आपको कुछ भी मैसेज आ जाएगा, आप इस फॉर्म को भर दिए आपको ये मिलेगा, वे ये कर दीजिए आपको ये मिल जाएगा, कई कई लोग क्या होते हैं उस ईमेल को भरोसा करके वो अपने जो क्रीडेंशियल्स हैं, अपने प्रूफ्स हैं वो उसमें भेज देते हैं, उससे उनके साथ क्या हो जाता है, स्पैम हो जाता है, ठीक है। अब ईमेल्स के बाद बारी, अब ईमेल्स के बाद बारी आती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएमएस, ठीक है। एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल है एक, ठीक है, ये क्या करता है, बस आपको मैसेज आप उसमें भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो एंड सेंड कर सकते हो, ठीक है, ओवर ए वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क आप अपने जो अपनी सिम है, जो आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन जो कंपनी है, थ्रू उससे आप क्या कर सकते हो, किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। अब जो एसएमएस था फर्स्ट टाइम 3 दिसंबर 1992 में, ठीक है, सबसे पहले 3 दिसंबर 1992 में नील पेपवर्थ, एक 22 साल का लड़का था, इंजीनियर था, जिसने क्या किया था, अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा था 3 दिसंबर को, जिसमें उसने लिखा था मैरी क्रिसमस, ठीक है। तब से ये एसएमएस का चलन क्या है, शुरू हो गया था। अब एसएमएस का जो कंसेप्ट था, द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड इन फ्रेंको जर्मन जीएसएम कॉरपोरेशन, ठीक है। अब एक फ्रेंको जर्मन जीएसएम कॉरपोरेशन थी, वहां पे क्या है, एसएमएस का कंसेप्ट डेवलप किया गया था 1984 में। आगे है हाउ डज एसएमएस वर्क, ठीक है। अब एसएमएस जो है आपका, ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आपको जब आप किसी को मैसेज भेजोगे, ठीक है, आपके आसपास एक सेलुलर जो है टावर होना चाहिए, ठीक है, एक पाथवे होना चाहिए जहाँ पे जो जो मैसेज है उस सर्वर से होता है, उस
टावर पे जाए, ठीक है। देन वहां पे जाकर मैसेज क्या करेगा, एक एसएमएससी जो एसएमएस सेंटर है वहां पे क्या होगा, उस सर्वर पे पहुंच जाएगा। देन उस सर्वर से जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके आसपास से जो टावर होंगे वहां से होता हुआ उस पर्सन के फोन पे वो मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एसएमएस में क्या, अब एसएमएस का एक लेंथ होती है, ठीक है, उसका फॉर्मेट है, टाइम स्टैम्प भी होगा उस पे, डेस्टिनेशन, ठीक है, आपने कहाँ भेजा, ठीक है, और उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। एसएमएस जो है आप अगर फ़ोन पे किसी को भी मैसेज करते हो आप थ्रू फोन, ठीक है, नॉर्मल मैसेज किसी को भेजते हो तो उसका एक डिफाइन लेंथ होती है कि आप इतने ही करेक्टर उसमें रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेसिंग के बारे में, ट्रेसिंग, ठीक है, आप सबको पता ही होगा ट्रेसिंग क्या होती है, किसी को भी ट्रेस करना, उसका डाटा देखना या उसको ये पता लगाना कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ट्रेसिंग में आ जाती है, ठीक है जी। अब ट्रेसिंग किस काम के लिए यूज़ की जाती है, मेनली जब किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है या किसी का फ़ोन गुम जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रेस करने की करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें ट्रेसिंग बहुत काम आता है। या हम थ्रू IMEI, ठीक है, आप सबको पता होगा IMEI नंबर क्या होता है, या आपके फ़ोन का एक मदरबोर्ड पे नंबर होता है जिसको, जो हर एक फ़ोन का, ठीक है, हर डिवाइस का अलग होता है, ठीक है, तो थ्रू IMEI नंबर वो आप क्या कर सकते हो, किसी भी अपने फ़ोन को कहीं पे बैठे भी आप उसको ट्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सॉफ्टवेयर्स मेनली जो आपके टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है उनके पास ही होता है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसकी कंप्लेंट देते हो, ठीक है, देन वो कंप्लेंट अगर वो पुलिस वाले आपकी बात सुनते हैं तो आपकी जो कंप्लेंट है तो वो उस कंप्लेंट को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के पास लेके जाएंगे। देन वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, आपके जो IMEI नंबर है फ़ोन का उसको अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे, ठीक है, उसको ट्रैकिंग पे लगाएंगे। जैसे ही आपके फ़ोन में अगर कोई सिम डालता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, आसपास के जो टावर से होता हुआ जो आपके सेलुलर डाटा है, ठीक है, तो उसका जो आपका सर्विलियंस पे डाला गया था आपका फ़ोन, उसकी डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी कि इस फ़ोन में अब ये सिम डली है, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए ये सभी जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनके पास कंप्लेंट जानी चाहिए, ठीक है, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल, आइडिया, इन सब के पास वो कंप्लेंट जाती है कि अगर आपकी कंपनी की सिम इस IMEI नंबर इस फ़ोन पे डलती है तो आपको हमें अलर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब IMEI नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, सभी मोबाइल की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और ये इट इज़ एन 15 डिजिट नंबर, यूनिक, हर डिवाइस का अलग नंबर है, ठीक है। फोन कैरियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स शेयर IMEI नंबर टू एनेबल ट्रैकिंग ऑफ स्मार्टफोन्स दैट मे बी स्टोलन और बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, जो आपके फ़ोन कैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइडर होते हैं, उन सब के पास क्या IMEI नंबर भेजा जाता है अगर किसी फ़ोन को ट्रैक करना है, ठीक है। जैसी उन किसी भी कंपनी की सिम उस फ़ोन में डलती है तो उनको उस IMEI नंबर, उस सर्विलियंस पे, उस लिस्ट पे एक अलर्ट आता है कि इस फ़ोन पे अभी यहाँ पे इस लोकेशन में न्यू सिम डली है, ठीक है। कैन IMEI नंबर बी ट्रेस्ड, ठीक है। अब देखो अगर फ़ोन चोरी होता है तो पुलिस के पास दो मेथड होते हैं, पहले तो वो फ़ोन को ट्रैकिंग पे लगाएगी अगर वो चोरी हो गया, ठीक है, वो आपका फ़ोन नंबर जो IMEI नंबर है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, सभी को भेज देंगे वो, ठीक है, जैसी सिम डली उनको मैसेज चला गया कि इस जगह पे आसपास के जो आपके टावर होंगे, ठीक है, अब वहाँ पे क्या वो ट्रैंगुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने अगर कंसेप्ट ऑफ GPS पढ़ा है, हमारी GPS की अगर वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था, तो आसपास के कोई तीन टावर, ठीक है, अगर वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो आसपास के तीन टावर से होती है जो उसकी लोकेशन है वो डिफाइन कर दी जाएगी, ठीक है, और उसकी जो करंट लोकेशन है वहाँ से वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द IMEI नंबर इज रजिस्टर्ड टू योर स्पेसिफिक हैंडसेट एंड द पुलिस विल बी एबल टू ट्रैक द डिवाइस इट सेल्फ इवन द सिम कार्ड हैज बीन चेंज्ड, ठीक है।
उसके लिए अगर वो सिम कार्ड चेंज भी कर देता है, लेकिन फिर भी उस फ़ोन की जो लोकेशन है वो हमें मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, फ़ोन को ट्रेस करने के लिए IMEI नंबर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई कहता है जी IMEI नंबर से हमें हमारा फ़ोन नहीं मिला या नंबर ट्रेस नहीं किया गया, तो हो सकता है कि जो उसका मदरबोर्ड है वो चेंज कर दिया है, या जो जिसने फ़ोन को चोरी किया वो क्या कर रहा है, सिम डालता है, ठीक है, कुछ देर उसको ऑन करके उस लोकेशन पे, देन उसको सिम को वो बंद कर देगा, ठीक है, किसी और लोकेशन पे चला जाएगा तो उसकी जो लोकेशन है प्रॉपर वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा ट्रेसिंग, SMS एंड ईमेल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी अच्छी नई वीडियोस आने वाली है।